आप सभी को जय मसीह की, प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। इस वचन को ध्यान से सुनना, परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात करेगा और इस परिस्थितियों को जो आपके सामने अभी रखी जाएगी, अपने आप को रखकर देखना, उस करेक्टर में अपने आप को रखकर देखना कि कहीं हम भी ऐसी परिस्थिति के अंदर अपने पिता के साथ ऐसा व्यवहार तो नहीं कर रहे हैं। एक बाप होता है और उसके दो बच्चे होते हैं, और बाप बहुत अमीर होता है, बहुत अच्छा धन दौलत होता है और सब कुछ होता है, किसी भली वस्तु की कोई घटी नहीं होती बाप को। और दो बच्चे होते हैं और घर में रानियां और मतलब दासियां, मतलब सब होता है, नौकरानियां होती हैं, और वो दो बच्चे होते हैं उस बाप के, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। जब वो बच्चे धीरे धीरे कुछ टाइम बाद बड़े हो जाते हैं, तो बड़े होने के बाद वो बच्चे मतलब जो अपना होश संभाल लेते हैं, तो आपस में कुछ ऐसी बातें होती हैं, एक बच्चे को दूसरे का रहन-सहन पसंद नहीं है, दूसरे को पहले का रहन-सहन पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो पिता की आज्ञा का पालन करता है, बुराइयों से बैर करता है, गलत कामों से दूर रहता है, और दूसरा बच्चा थोड़ा अपनी संगत में धीरे धीरे करके ऐसा ढला, मतलब गलत संगत में ऐसा घुसा जिसमें कि उसको अपने पिता की आज्ञा धीरे धीरे करके बिल्कुल फीकी लगने पड़ी। मतलब पिता बोलता था कि बेटा ऐसी ऐसी जगह पर नहीं जाना है, आपको ये काम नहीं करना है, आप ऐसी संगति में मत बैठना, ऐसा हो जाएगा हमारा चरित्र खराब हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, और कहीं गलत संगत ना लग जाए, कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, कहीं कोई बेटा कोई गलत परेशानी कोई समस्या तुम्हारे जीवन में ना आ जाए, तो बाप समझाता रहता था। तो शुरुआत में जब वो बेटा छोटा था तो उस बच्चे को उस बाप की बात अच्छी लगती थी, छोटे वाले बेटे को। तो हुआ क्या, जब वो बेटा बड़ा होता गया तो उसको ना गलत संगति में एक ऐसा शौक लगा जिसमें मतलब कहते हैं ना अय्याशी, जैसे आप अपनी लाइफ में इस चीज़ को लेकर देखना, हमारी ज़िंदगी में कौन सा ऐसा शौक है जो हमें हमारे बाप से दूर कर देता है। एक पिता के साथ जो रिश्ता उस लड़के का, मतलब छोटे बेटे का पहले था ना, वो नहीं रह पा रहा था। क्यों? क्योंकि उन दोनों बाप बेटे के बीच में ना उस लड़के की यारी दोस्ती आ रही थी जो उसको उसके बाप के प्रेम से अलग कर रही थी। पहले ये छोटा बेटा अपने बाप से पूछता था, बातचीत करता था, बाप के दुखों को पूछता था, दिल का हाल पूछता था, खाना खाने के लिए बैठता था, और आते जाते समय पापा से बातचीत करता था, इज्जत करता था, मान सम्मान करता था, कहीं भी आने जाने से पहले पूछता था, बताता था, और अपने दुख सुख की बातें सारी शेयर करता था। जितना बड़ा बेटा शेयर करता था उतना ही छोटा बेटा ये वाला भी शेयर करता था। लेकिन जब इस छोटे बेटे की संगति कुछ बदली, जब इसने पिता की आज्ञा को तोड़ना शुरू किया, धोखा देना शुरू किया, झूठ बोलना शुरू किया, और अपनी अभिलाषाओं में इतना लौलीन हो गया कि ये पिता की आज्ञा को चाहकर भी पालन नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि इसके मन में यारी दोस्ती का और कुछ अय्याशी का और कुछ ऐसी अभिलाषाओं का इतना असर हो चुका था कि इसको अपने बाप की याद भी नहीं आती थी। कई कई बार तो मतलब नाइट आउट पास करता था और अपने दोस्तों के साथ मतलब पीना खाना ऐश मौज करना और मस्ती करना, मतलब बाप है ना इंतज़ार करता था कि मेरा बड़ा बेटा तो मुझसे रोज़ाना बात करता है, कहीं पर भी जाता है ना, किसी काम से आता तो मुझे बताकर जाता है, और शाम को भी समय पर घर पे आता है, अगर कहीं पर भी कुछ काम होता है तो मेरा बड़ा वाला बेटा मुझसे हर बात में सलाह लेता है, पूछता है, बतलाता है, और मुझसे मेरे दुखों का हाल भी पूछता है, मेरी खानी अच्छाई और बुराई भी पूछता है, मेरा खाना नहीं खाना, मेरी पसंद नापसंद पूछता है। लेकिन मेरे छोटे बेटे को क्या हो गया, वो बाप है ना छोटे बेटे के चक्कर में सूखता, मतलब इतना कमज़ोर पड़ जाता है, इतना मतलब आंसू से भर भर के, आंसू से रो रो के। क्यों? क्योंकि उसको वो छोटे बेटे का प्यार नहीं मिल पा रहा, और उस बाप का ध्यान उस छोटे बेटे की तरफ रहता है कि मेरे बेटे को क्या हो गया, वो इतना कैसे बदल गया, मेरे प्यार में कहाँ कमी रह गई कि वो संसारिक कामों में, संसारिक वस्तुओं में, संसारिक बातों में, अभिलाषाओं में या संसारिक लोगों में इतना मिलजुल गया, जिसको मैंने अपने हाथों से पाला पोसा और जिसके लिए मैंने कभी कोई कसर कोई कमी नहीं छोड़ी, जिसकी मैंने सभी ज़रूरतों को पूरा किया। आज वो मेरा बेटा मुझसे ना तो कोई हालचाल पूछता है, ना तो मुझे खाने के लिए पूछता है, ना तो मुझे खाने पर बुलाता है, और ना ही समय पर आता है, और मेरी ज़रूरत में भी मेरी मदद सहायता ही नहीं करता। एक दिन ऐसा हुआ कि उसके पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होगी चिंता परेशानी को लेकर। क्यों? क्योंकि उसका बेटा इतना बिगड़ चुका था, वो छोटा बेटा इतना बिगड़ चुका था कि अपने बाप का हालचाल ही पूछना बंद कर चुका था, और कई कई दिन तक तो उसने बाहर मतलब अपने गुजारे। तो उस बेटे का बाप इतना बीमार पड़ा, बीमार पड़ने के कारण बड़ा बेटा बोला कि पापा अब क्या करें, छोटा वाला भाई तो आपके पास नहीं आता है बिल्कुल भी, कोई बात नहीं पापा उसकी तरफ से ध्यान हटाएं, चिंता मत करो पापा सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरा भाई ज़रूर आएगा। तो ऐसी ऐसी कुछ बातें करते करते वो बड़ा वाला बेटा अपने बाप को दिलासा दे रहा था कि हाँ भाई मेरा छोटा वाला भाई ठीक होकर आएगा बिल्कुल, और बिल्कुल बदल जाएगा, पापा से इज्जत से बात करेगा, प्रेम करेगा। तो उसका बाप एक जगह बीमार पड़ा था,
और उसका बड़ा वाला भाई एक तरफ बैठा था पापा के पास में। तो इतने में वो छोटा वाला बेटा जो नशे पत्ते में था, जो बुराई में जा चुका था, तो वो छोटा वाला बेटा अपने यारी दोस्ती में से ऐश मौज करके आया। उसने वो मदिरा के नशे में धुत था, और जैसे ही उसने एंट्री करी, एंट्री करते के साथ ही चौखट में उसने पैर रखा तो उसका पैर लड़खड़ा गया मतलब, और बहुत ज़ोर से मुँह के बल गिरा और उसका सर ज़मीन पर लगा। तो इतने में जो बाप उठ नहीं पा रहा था, उस बाप ने बोला अपने बड़े बेटे से, बेटा मेरा जल्दी से हाथ पकड़, मेरा बेटा गिरी है, कहीं उसके चोट तो नहीं लगी। उस बड़े बेटे ने अपने बाप को जल्दी से उठाया, और उसका बाप कैसे ना कैसे करके, जैसे ही उसका बाप उठा अपने बेड से, वो अपने छोटे वाले बेटे जो गिर गया था, जो नशे में धुत था, उसको देखने के लिए, कहीं मेरे बेटे के चोट तो नहीं लगी, जैसे ही उसको मतलब अपने बेड से उतरा और उसको पकड़ने के लिए दौड़ा, तो जैसे ही उसका बाप दौड़ा उसकी तरफ, तो उसके उस बाप के पैर मतलब उसके वजन को संभाल नहीं पाए, क्योंकि कमजोरी के कारण उसके बाप के पैरों में से ताकत एक तरीके से बहुत कम हो चुकी थी, और उसका बाप अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा था। तो उसका बाप उसको मतलब पकड़ने के चक्कर में खुद भी गिर पड़ा, और अपने छोटे बेटे को गिरा हुआ देखकर उसकी आंखों से आंसू आ गए, और उस बाप ने कहा, बेटा कहीं तुझे चोट तो नहीं लगी, कोई परेशानी तो नहीं हुई? और वो बेटा नशे में इतना धुत था, उसने जैसे ही वो उठा, कैसे ना कैसे करके उठने की कोशिश करा, फिर से उसका पैर फिसला, फिर से वो गिर पड़ा, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं संभाल पा रहा था लड़का, उसका उस बाप का छोटे वाला बेटा बिल्कुल नहीं संभाल पा रहा था, क्योंकि उसने बहुत ड्रिंक कर रखी थी, बहुत पी रखी थी। तो बड़े वाले बेटे ने दोनों को हाथ पकड़ के संभालने की कोशिश कर रहा, बाप खड़ा नहीं हो पा रहा था, बाप कह रहा, बेटा तो उसको उठा, मेरे बेटे को उठा, देख उसे कहीं लगी तो नहीं है, उसके घुटने एक बार और कोनी है, चेक कर उसके सर, चेक कर देख, उसका सर लगा था, बहुत तेज़ आवाज़ आई थी। तो उसका बड़ा वाला भाई चेक करता, उसके कहीं चोट तो नहीं लगती, लेकिन वो बेटा अपने बड़े वाले भाई को, वो छोटा वाला भाई अपने बड़े भाई को बहुत ज़ोर से धक्का देकर गाली बके कहता, चल तू मेरे पीछे, मेरे से दूर हो जा, मेरे से पीछे हट, मुझसे मत बात कर। और फिर उसके बाद वो छोटा वाला बेटा जो नशे में धुत था, वो अपने बाप से गाली बकर कहता है, देख तू सुन मेरी बात, मुझे इस घर में से ना इस जायदाद का हिस्सा चाहिए, मुझे हिस्सा चाहिए, मुझे तेरे साथ नहीं रहना है, क्योंकि तू हर बार मुझे मतलब मेरे दोस्तों से, मेरी यारी दोस्ती में जाने से मना करता है, रोकता है तू मुझे, और मुझे पसंद नहीं है कोई मेरे काम में टांग अड़ाए या कोई भी मुझे मेरी ज़िंदगी को जीने से रोके, क्योंकि तू मेरे को मेरी ज़िंदगी ऐशो आराम वाली ज़िंदगी जीने से रोकता है, और तू मुझे हर बात में पाबंदी लगाता है, तो कहता है यही नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, इसलिए मैंने तुझसे बात करना बंद कर दिया था। और मेरा बड़ा वाला भाई भी मुझे बोलता है, मेरे बड़े भाई तू ध्यान रख, तू मेरे पास मत आइए, तू मुझसे बात मत करियो, मुझे मेरा पैसा चाहिए, पापा मुझे पैसा दे, और जो भी मेरा हिसाब किताब बैठता है सारा हिसाब किताब मेरा क्लियर कर, मुझे हिस्सा चाहिए, हम दोनों भाइयों में जो भी है आधी उसकी है आधी मेरी है, उसको तो दे या ना दे, लेकिन मुझे मेरा हिस्सा दे, मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ से। तो उसका बाप कहता है, बेटा क्यों ऐसी बातें करता है, ये सब कुछ तेरा ही तो है, क्या हिस्सा, अगर मैं मर जाऊँगा तो फिर मेरे बात तो तू ही तो लेगा बेटा, ये सारा हिस्सा कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ तेरा ही तो है, ये कमाया मैंने किस लिए, यह है किसका, मेरे बात तो तेरा ही है ना मेरे बच्चे। तो फिर उसके बाद वो बड़ा वाला बेटा बिलक बिलक कर रोने लगता है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, और छोटा वाला बेटा बाप को धक्का देकर कहता है, पीछे की तरफ हो पहले, और फिर उसके बाद वो बाप कहता है कि बड़े बेटे से कहता है, बेटा एक काम कर, जब तू सामने उस दीवार में एक अलमारी है, अलमारी में से निकाल कर वो कागजात लिया और जो पैसे हैं कुछ वो लिया, ये तुम दोनों का ही है। और वो छोटा वाला बेटा कहता है, हाँ जल्द जल्द लेकर आ, इसको जल्दी भेज वहाँ पर, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे यार दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं, मेरे को बाहर जाना है, ठीक है, और मैं दोबारा तेरे घर में कभी नहीं आऊँगा, अब मैं अपना हिस्सा लेके जा रहा हूँ। तो बड़ा वाला बेटा आंसू के साथ घर के अंदर दूसरे कमरे में जाता है, और जाने के बाद वहाँ पर वो दरवाज़ा खोलता है, दीवार के पास एक अलमारी होती है, उस अलमारी में से पैसे और कुछ पेपर्स निकाल कर लेकर आ जाता है, और पेपर्स निकालने के बाद जैसे ही वो वापस आता है, वापस आते के साथ ही अपने बाप को जब अपना जब वो प्रॉपर्टी के पेपर और वो पैसा देता है, तो उसके बाद उसका बेटा अपने बाप के हाथ में आते के साथ ही, छोटा वाला बेटा अपने बाप के हाथों में जैसे ही वो बड़ा बेटा पैसे रखता है और वो प्रॉपर्टी के पेपर रखता है, वैसे ही ऑन द स्पॉट उसी समय वो छोटा बेटा जो नशे में धुत होता है वो छीन लेता है बाप के हाथों में से, और सारी जायदाद छीनने के बाद बोलता है, इसमें से देख कि ये ऊपर वाले पेपर इसके हैं, मतलब आधा वो खुद ही निकाल निकोल के अपने बड़े वाले भाई के मुंह पर मार देता है, और अपनी प्रॉपर्टी अपने हिस्से का आधा आधा धन मतलब आधी प्रॉपर्टी लेकर उस घर से निकल जाता है, मतलब बिल्कुल नशे में डोलता डालता, मतलब नशे में धुत झूमता जामता, मतलब कैसे ना कैसे करके घर से निकल जाता है। और उसका बाप बहुत रोता है, बहुत रोता है, आंसू से बिलक बिलक के रोता है। और फिर उसके बाद उसका बड़ा वाला भाई
मतलब पापा की देख रेख करता है। पापा जब नीचे बैठे हुए होते हैं आलती पलती मार के, तो उनको उठाता है, पापा तो चिंता ना कर, मैं हूँ तेरा बेटा और मैं तेरा ध्यान रखूंगा, तू उसकी तरह से चिंता छोड़ दे, वो आएगा, ज़रूर आएगा, तो चिंता मत कर बेटा, पापा तो चिंता मत कर। तो कैसे ना कैसे करके उसका बाप, कुछ टाइम हो जाता है, हफ्ता बीतता है, 2 हफ्ते बीतते हैं, महीना, 1.5 महीना, 3-4 महीने बीतने के बाद है ना, मतलब उसका बड़ा वाला बेटा देखता है बाहर कहीं गया हुआ होता है, तो उसने देखा कि उसका छोटा वाला भाई मतलब लड़कियों के साथ अय्याशी कर रहा है, और मतलब उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, हाथ में दारू है और कपड़े बहुत महंगे पहन रखे हैं, और उसके बाद मतलब सही पार्टी चल रही है, अच्छे से खाना पीना हो रहा है, और महंगे से महंगा मतलब काम करा रखा है मतलब पार्टी के अंदर, और खुद इतना पीकर झूम रहा है, आगे पीछे लड़कियां नाच रही हैं, मतलब इतना सब कुछ देख रहा था, हुक्के लग रहे हैं, कब कितने गलत गलत मतलब शौक हो रहे थे उस जगह पर, मतलब एक से एक काम जुए से जुए, बड़े से बड़ा जुआ हो रहा था। लेकिन वो बड़ा वाला बेटा इन सब चीज़ों को देख कर ना, नोटिस करके वापस अपने घर पे जाता है। तो और उसके बाद जब अपने बाप को इन सब चीज़ों के बारे में बताता है, पापा देखो छोटे वाला भाई जो पैसा लेकर गया वो देखो कैसे उड़ा रहा है, और मतलब उसने कुछ भी सेव नहीं कर रखा, मुझे नहीं लगता उसने कुछ भी अपने लिए बचा कर रखा है, और ऐसे ही पैसे उड़ा रहा है गलत और गंदे कामों में, और अय्याशी कर रहा है और पैसा लुटा रहा है यूं ही। तो उसका बाप इन सब चीज़ों को देख कर मतलब बहुत सोचता है, वो सिर्फ यही सोचता है उसका बाप कि मेरे को मेरा बेटा चाहिए, पैसा तो फिर आ जाएगा, बस मुझे मेरा बेटा सही सलामत चाहिए। बस उसका बाप जब ये सारी बातें सुनता है तो अपने कमरे में चला जाता है, उसका बाप तकिए के अंदर मुंह डालकर रोता है, बहुत बिलक बिलक कर रोता है और हिचकियाँ मार मार कर रोता है, और सिर्फ यही कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए, चाहे सारी धन दौलत भी ले जाओ, मुझे मेरा बेटा चाहिए। अपने आप से बातें करता है कि बेटा आ जा, बेटा जल्दी आ जा, मतलब इतना डिप्रेशन में चला जाता है वो बाप, और मतलब कई कई बार अकेले में बोलता है कि मेरा बेटा आ रहा है, मेरा बेटा आ रहा है, मतलब अपने बेटे के लिए इतना पागल हो जाता है, पूरे दिन और रात एक कर देता है, उसको नींद नहीं आती है, और इंतज़ार करता है, और यही बोलता है कि मेरा बेटा सही है, मेरा बेटा गलत नहीं है, मेरा बेटा बुरा नहीं है, मेरा बेटा अच्छा है, मैं उससे प्यार करता हूँ, चाहे वो जैसा भी है तो मेरा बेटा, चाहे वो कितने भी गलत ऐप कर रहा था रहेगा तो मेरा बेटा, मैं उससे प्यार करता हूँ, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसी कोई धन दौलत नहीं चाहिए जो मुझे मेरे बच्चे से दूर करे, और या जो मेरे बच्चे को मुझसे दूर करे, मुझे मेरा बेटा चाहिए। तो रोते 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 कई कई बार तो ऐसा होता है कि वो सो जाता है, और फिर एक मोमेंट ऐसा आता है उस छोटे बेटे के जीवन में जो बहुत अय्याशी कर रहा होता है, मतलब उसके पास धीरे धीरे करके सारा पैसा खत्म हो जाता है, और जो थोड़ा सा उसके पास कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स वगैरह होते हैं ना, तो उसके यार दोस्त उसको लूट लेते हैं, और लूटने के बाद उसकी जो गर्लफ्रेंड वगैरह होती है जिनसे वो प्रेम रखता है, वो लड़कियाँ भी उसको छोड़कर चली जाती हैं, और मतलब एक तरीके से बिल्कुल ही नाता तोड़ देना, और वो लड़का बिल्कुल अकेला पड़ जाता है, और उसके पास पीने तक के लिए पैसे नहीं होते। अपने सभी दोस्तों के घर पे जाकर दरवाज़ा खटखटाता है, कोई दरवाज़ा नहीं खोलता, कहीं से मदद नहीं मिलती। पहली बार वो रात को पार्क में सोया, पार्क में सोने के बाद उसके पास कुछ लगभग कुछ ही पैसे पड़े थे इसमें कि वो 1 से 2 वक्त का खाना खा ले, खाना खाया उसने, फिर उसको तलब लगने लगी कि कुछ मुझे ड्रिंक मिल जाए, कुछ नशे पत्ते के लिए कुछ मिल जाए, मुझे चाहिए, मेरा बहुत मन है, इसके बगैर तो मैं नहीं रह पाऊंगा। तो उसने कैसे ना कैसे करके मतलब अपने दोस्तों से बातचीत करने की कोशिश करी, लेकिन किसी से बात नहीं हो रही, और उसकी गर्लफ्रेंड से बात करने की कोशिश करी, उसने भी बोल दिया कि मुझे तू नहीं चाहिए, क्योंकि तू ऐसे ऐसे उल्टी सीधी हरकतें करता है, गलत गलत गंदे काम करता है, और तेरे पास पैसा है भी नहीं, तू मुझे रखेगा कहाँ पर। बहुत सारी बातें ऐसी ऐसी बोल दी, मतलब ना मानने के, रिलेशन ना बनाने के और शादी ना करने के 1000 बहाने होते हैं, है ना, और जो करने वाला होता है वो तो कुछ भी नहीं देखता है, करने वाला कर कर बैठ जाता है, करके निकल जाता है। तो यही चीज़ है, क्योंकि ये कुछ गलत संगतें थी जिसमें इंसान का धन, पैसा, गाड़ी, बंगला, ये सब चीज़ें देखा जाता है, जिसके पास जो इन चीज़ों में नशे पत्तों में गलत संगतों में चला जाता है ना, तो उसमें इंसान की इज्जत रहती नहीं है, इंसान के पैसे की इज्जत रहती है। अगर पैसा है तो तू मेरा दोस्त है, तू मेरा बाप है, तू मेरा भाई है, तू मेरी बहन है, अगर पैसा नहीं है ना, तू कौन और मैं कौन, मैं नहीं जानता, मैंने कब जाना तेरे को, मैंने तो नहीं मिला कभी तुझसे भाई, मैंने कब लिया तुझसे पैसा। तो बस यही था उस लड़के का साथ, ऐसा हुआ जब उसने अपनी गर्लफ्रेंड से भी बोला और अपने दोस्तों से, पक्के दोस्तों से बोला, जिनके कारण वो अपना घर छोड़कर आया था, जिनके कारण उस लड़के ने मतलब अपने बाप की जायदाद में से आधा हिस्सा मांगा और अपने भाई के मुंह पर आधे कागज फेंक दिए और बाप को धक्का दिया था। तो उसको ये सारी बातें याद आती हैं कि मैंने जिसके कारण, जिन दोस्तों के कारण मैंने अपने बाप से लड़ाई कर ली, अपने बाप का घर छोड़ दिया, इतना आलिशान महल छोड़ दिया मैंने,
मुझे समय से पहले खाना मिलता था, मुझे अच्छी मीट रोटी मिलती थी और मेरी ज़रूरतें पूरी होती थी, मेरे कपड़े धुले हुए रहते थे। लेकिन आज मेरी हालत कैसी हो गई है, 2 दिन के पहले दिन मैं पार्क में सोया, आज दूसरा दिन है, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है। आज जो खाने के लिए पैसे थे वो मैं खा चुका हूँ, लेकिन अब मैं सोऊंगा कहाँ पर, मैं जाऊँगा कहाँ पर। तो उसको कोई जगह नहीं दिखाई देती थी, एक भिखारी दिखाई देता है, भिखारी के पास जाके उससे बातचीत करता है बैठे बैठे, तो उसे बोलता है कि मेरे को भूख लगी, थोड़ा सा अपने में से खाना खिलाएगा। तो भिखारी बोलता है, नहीं भाई नहीं, मैं नहीं खिला रहा खाना, मैंने ये बहुत मुश्किल से करा है, भीख मांग मांग के करा है, तू मांग ले अगर तुझे भूख लग रही है तो, मैं नहीं खिला रहा खाना वाना, दिखता तो बहुत अच्छे घर का है। तो वो बताता है कि हाँ भाई मैं बहुत अच्छे घर का हूँ, लेकिन मैंने अपने बाप के घर को छोड़ दिया। भिखारी भी कहता है, अरे तूने क्यों छोड़ दिया, मैं तरसता हूँ, मैं तरसो, मेरी आज हालत ऐसी है, मैं अपने किस्मत को कोसता हूँ और मैं अपनी बुरी संगत को, बुरे अभिलाषा को कोसता हूँ, जिसके कारण आज मैंने दर दर की ठोकरें खाई और मैं आज ऐसी हालत में हूँ, मुझे कोई संभालने वाला, कोई पूछने वाला नहीं है। अबे जा जल्द से जल्द, इससे पहले कि तेरे घर में कोई घटना घटे या तेरे साथ कुछ गलत हो या तू मेरी जगह पर आए, इससे पहले कुछ गलत घटे तेरे साथ, तो अपने बाप के घर पे, अपने परिवार में, अपने परिवार में, अपने फैमिली मेम्बर्स में दोबारा चले जा, चाहे माफ़ी मांगनी पड़े दोबारा चला जा। तो वो लड़का बहुत रोता है, बहुत रोता है, बहुत ज़्यादा रोता है, बिलक बिलक के रोता है, चिल्ला चिल्ला कर रोता है, पूरे पार्क में हाथ उठा उठा कर, घुटनों के बल आ कर रोता है, हे पिता मुझे माफ़ कर दे, पिता तू मेरे साथ कितना अच्छा, कितना अच्छा पिता है, तूने मेरी सभी ज़रूरतों को पूरा किया। याद करता है उन बातों को कि बाप अपनी उंगली पकड़ कर कैसे उसको घुमाया करता था और उठाया करता था, उसको खाना खिलाया करता था, उसकी मतलब उसकी नोज़ी साफ़ करा करता था, कहीं पर भी आना जाना होता था वो बेटा बाप से पूछता था, परमिशन लेता था, दोनों भाई आपस में मिलजुल कर रहते थे और बाप की इज्जत करते थे, कहीं भी आना जाना होता था तो रिस्पेक्ट करते थे, पूछते थे, इज्जत करते थे, खाना पीना अच्छे से एक साथ होता था, एक दूसरे के दुख सुख पूछते थे और बहुत मजाक करते थे, खाते पीते उठते बैठते थे, खेलते कूदते थे आपस में, दोनों मतलब दोनों बच्चे आपस में इतना प्रेम से रहते थे बाप के साथ। ये सारी बातें याद कर करके वो आंसू बहा बहा कर, चिल्ला चिल्ला कर, बहुत ज़ोर ज़ोर से दहाड़े मार मार कर रो रहा था और छाती पीट पीट कर बोल रहा था कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, जिनको मैंने अपना समझा वो मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन जो मुझे भलाई के कारण डांटता था, जो मुझे मेरी भलाई के कारण रोकता था, मैंने उसी को छोड़ दिया और मैंने उसको धक्का दिया, और उस जब मैं ठोकर खाकर अपने घर की चौखट के अंदर गिरा तो वही मेरा बीमार बाप, मैंने उससे ये नहीं पूछा कि पिता तेरी तबीयत कैसी है, और वरन वो बीमारी में उठकर मेरे पास आकर पूछ रहा है मुझे, बेटा तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी। तो बहुत सारी बातों को लेकर वो लड़का अपने आप को कोसने लग गया, बहुत रोने लगा, बहुत रोने लगा। 3 दिन बीते, फिर उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं हुआ, और फिर 4th दिन की जैसे सुबह हुई, सुबह होने के बाद उसने देखा, कहीं से कोशिश करी कि मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाए, नहीं मिल पाया। फिर एक किसी जंगल के मतलब कि किसी जंगल के आसपास में कोई एक घर था, वहाँ पर सुअरों का एक झुंड था, उस सुअरों की रखवाली करने के लिए एक लड़का एक आदमी आता था, ये दोनों लड़का और आदमी मिलकर मतलब सुअरों की मतलब चरवाही करते थे। तो उस लड़के ने उन दोनों से बात करी कि मुझे कुछ खाने के लिए मिल सकता है, कि आपके पास कुछ पैसा है या मुझे कोई रहने के लिए स्थान मिल जाएगा। तो उस लड़के और आदमी ने बोला कि हाँ हमारे पास सुअरों की एक फल्ली है, तो उसमें रह सकता है, सुअरों का एक छोटा सा झुग्गी बना रखी है, अगर तुझे रहना तो उसमें रह सकता है, लेकिन ध्यान रख तुझे खाना जब भी मिलेगा जब तू सुअरों की देखभाल करेगा, रखवाली करेगा। तो उस लड़के ने कह दिया कि हाँ मैं करने के लिए तैयार हूँ, मुझे दे दो। तो वो लड़के की ऐसी हालत हो गई, कहाँ राजा मतलब राजमहलों में रहता था, खाना टाइम पर उसको मिलता था, इज्जत मान सम्मान होते थे, हर चीज़ बेस्ट से बेस्ट देता था उसका बाप, उसको प्यार भी मिलता था, मतलब उसकी उंगलियों पर नौकर चाकर काम करते थे, उसकी एक आवाज़ पर उसके नौकर चाकर डरते थे, कांपते थे। कहाँ वो सुअरों की फल्ली में काम करने लग गया और गंदे कपड़े, कपड़ों में से बदबू आने लग गई, और उसको जब खाना दिया गया तो कच्चे चावल और ऐसी मतलब कच्ची मतलब आधी पकी रोटी और थोड़ी सी मतलब भूसी हुई चटनी उसको जब दी, जब उसको भूसी ये सब चीज़ें दी उसको खाने के लिए, तो उस खाते खाते उसकी आंखों से आंसू आ गए, अपने आप को इतना कोसने लगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, अपने इतने अच्छे बाप को छोड़कर, इतने अच्छे बाप को मैंने छोड़ दिया, जो मेरी इज्जत मान सम्मान के लिए सब कुछ कर बैठता था, जो मेरे लिए सब कुछ कर जाता और जिसने मेरी सभी जरूरतों को पूरा किया और जिसने मुझे कभी दुख समस्या परेशानी में आने ही नहीं दिया, और आज जो मैं दिन देख रहा हूँ मेरी गलती के कारण देख रहा हूँ, मैंने यारी दोस्ती के चक्कर में कुछ गर्व और बुरी अभिलाषाओं के चक्कर में मैंने अपनी पापा की बात को ना मानकर मैं आज ऐसा दिन इसीलिए देख रहा हूँ क्योंकि ये मेरा खुद का चुनाव था। उसको अपनी गलती का बहुत एहसास हुआ, उसी समय उसने अपनी थाली को फेंका, साइड में करा और रोटी को भी फेंका, सुअरों की फल्ली को छोड़कर उस घर को छोड़कर भागा, अपने घर की तरफ भागा, अपने महल की तरफ भागा,
कपड़ों में से बदबू आ रही थी, रोते भिलकते हुए, शर्ट फटी हुई थी उसकी, और उसके घुटनों पे से उसका जो पैंट था वो भी फटा हुआ था, और उसके जूते वगैरह मतलब फटे हुए थे, गंदे हो रखे थे, बदबू आ रही थी उसमें से। क्योंकि जब उस थोड़ी देर एक रात उसने उसके अंदर गुजारी सुगरों के घर में, तो उसकी कपड़ों में से बहुत गंदी स्मेल आने लगी, क्योंकि वो मिट्टी पर ही सोया था। और ऐसी हालत उसकी हो चुकी थी कि कोई मतलब कोई इसको पूछने वाला नहीं था, कोई इसके दुख सुख में साथ देने वाला नहीं था, कोई ये नहीं पूछने वाला था कि तेरे को कोई चोट तो नहीं लगी, तेरे कोई परेशानी तो नहीं है, तेरा कोई दुख तो नहीं है, ला मैं तेरे आंसू पोंछूं, तेरी मदद करूँ, तेरी सहायता करूँ, कोई कुछ नहीं था उसके पास, उसके अपने भी नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो उसका खुद का चुनाव था। लेकिन जब वो अपने बाप के घर में पहुँचा, बाप के घर पहुँचने से पहले जब वो अपने गली में मतलब दौड़ दौड़ कर आ रहा था, तो उसके बाप के कुछ नौकरों ने देखा और भागकर अपने मालिक को बताया कि मालिक साहब आपका बेटा आया, छोटा बेटा आया जो आपकी जायदाद का आधा हिस्सा लेकर चला गया था। तो बाप उसी समय अपनी धोती को जोर से पकड़कर बांधकर बोलता है कि मेरा बेटा आया है, जल्द से जल्द उसके लिए खाना तैयार करो और जल्दी से उसके लिए अंगूठी लेकर आओ, सोने की जो उसकी और भी अंगूठियाँ वगैरह पड़ी थी, जो भी उसका सामान वामान जो पुराना पड़ा था निकालो, और जो भी उसके लिए नया है मतलब अच्छे अच्छे पकवान बनाए, अच्छे अच्छे कपड़ों का इंतजाम किया, और बोला मेरे बेटे के लिए एक अच्छी बड़ी पार्टी की जाए, मेरा बेटा वापस मेरे पास आ गया है। तो वो बेटा बाप के पास आकर है ना बिल्कुल चुपचाप खड़ा हो जाता है, अपना सर को नीचे करके और घुटनों के बल आ जाता है, और अपने बाप से कहता है कि पिता मुझे माफ़ कर दे, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो मैंने तुझे धक्का दिया और तुझे धोखा दिया और तेरे मुंह पर थूका। तूने मुझे सब कुछ दिया लेकिन मैंने तेरी आज्ञाओं को तुझ जाना, मैंने तेरा इस्तेमाल किया और मैंने तेरा दिल दुखाया। जब तू दुख में था, समस्या में था, मैंने तेरी शुद्धि नहीं ली, मैंने तेरी मदद सहायता नहीं की, मैंने तो तेरा दुख भी नहीं पूछा। वरन जब मैं ठोकर खाकर उस समय जब मैं गिरा था ना पिता, जब मैं तेरे दरवाजे के पास, मेरे बड़े भाई के मुंह पर कागज फेंक कर मारे थे, उस समय मैंने तेरा हालचाल नहीं पूछा, लेकिन तूने मुझसे पूछा था कि बेटा तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी। पिता मैं इतना गिर जाऊंगा, मुझे नहीं पता था ये अभिलाषाएं, ये बुराइयां, ये मेरी गलत संगति मुझे तुझसे इतना दूर कर देगी। तो वो लड़का बहुत रो रो कर घुटनों के बुलाकर अपना सर नीचे करके बोलता है, अपना हाथ उठा के, पापा मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। तो उसी समय उसका बाप भी घुटनों के बल आकर अपने ना तो कपड़ों की इज्जत करता, ना ही अपने गली मोहल्ले के वालों की इज्जत, क्योंकि उसके बाप की इज्जत पूरे पूरे उस शहर में बहुत अच्छी होती है, और लोग देखते हैं अरे इसका बाप ये घुटनों के बल ये मिट्टी में बैठा है, क्योंकि ये भी एक तरीके से बहुत शर्म वाली बात थी, उसके बाप की इज्जत बहुत थी। तो उसका बाप भी अपने बेटे के पास घुटनों के बल आकर उसको अपने सीने से लगाता है, बस एक बात बोलता है कि बेटा तू मेरे पास फिर से आ गया ना, कोई बात नहीं, मैं भूल गया सब कुछ, चल नए सिरे से शुरुआत करते हैं, तू है तो मेरा बेटा ही ना, कुछ नहीं होता, मैं भूल गया सब कुछ, आ तू मेरे पास आ, लेकिन अब तो छोड़कर नहीं जाएगा ना, मैं तुझसे प्यार करता हूँ बेटा, पहली बार मैं पता नहीं कैसे बच गया, लेकिन इस बार मुझे छोड़कर मत जाइए, पता नहीं फिर मैं बचूँ या ना बचूँ, मैं नहीं चाहता मैं तुझसे दूर हूँ या तू मुझसे दूर हो, बस मेरे बेटे इस बात को ध्यान रखियो, तू मुझसे किसी भी तरीके से दूर मत होइयो, जो भी तुझे चाहिए वो मैं तुझे दूंगा, जो मुझसे बन पड़ेगा वो मैं तुझे दूंगा, लेकिन मेरी बात को मानियो बेटा, मैंने तेरे भलाई के लिए कहा, देख जो बात मैं तुझे तेरी भलाई के लिए कहता था वही बात मैं अपने बड़े बेटे को भी कहता था, तेरे बड़े भाई को कहता था, देख उसने मेरी बात का पालन किया और देख वो कितनी अच्छी जिंदगी जी रहा है और कितने अच्छे गुण हैं उसके अंदर, लोग उसकी तारीफ करते हैं, लोग उसके जैसा बनना चाहते हैं क्योंकि उसने मेरी आज्ञा का पालन किया। और बेटा देख तूने एक बार मेरी आज्ञा को तोड़ा, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके मेरी आज्ञा तुझे तुच्छ लगने लगी और तू अपनी अभिलाषाओं में फंस कर तू मुझसे दूर हो गया था, लेकिन बेटा अब तू ध्यान रखियो मुझसे बिल्कुल दूर मत रहियो क्योंकि मैं तेरे बिगैर नहीं रह सकता। तो आज हमारा परमेश्वर इस वचन के द्वारा आज हमसे बोलता है कि कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है, कोई ऐसी अभिलाषा तो नहीं है हमारे जीवन में, कहीं कोई ऐसा काम तो नहीं है, कहीं कोई ऐसी मूर्ति पूजा तो नहीं कर रहे हम, चाहे शारीरिक मूर्ति पूजा नहीं, कहीं आत्मिक मूर्ति पूजा तो नहीं कर रहे हैं, कहीं अपने मन में हमने अपना प्रेम किसी और को तो नहीं बना लिया है, कहीं हमने अपना प्यार जो हम अपने पिता से परमेश्वर से करते हैं कहीं वो प्यार हमने बांट तो नहीं दिया है। आज परमेश्वर कहता है तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, और वो ये भी कहता है कि देख मैं तो तेरे हर पल साथ हूँ, मैंने तेरे लिए क्या चीज़ नहीं दी है, मैंने अपने इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा, तो मैं ये सब वस्तु तुझे क्यों ना दूंगा, इन संसार की अभिलाषाओं में मत जा जो तुझे मुझसे और जीवन से दूर करती हैं, जो तू मुझसे मांगेगा मैं तेरी सुनूंगा, संकट में मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझको छुड़ाकर तेरी महिमा बढ़ाऊंगा और तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। तुझे सबने छोड़ दिया था जिस पर तूने भरोसा रखा, चाहे तेरे अपने थे चाहे तेरे फैमिली के थे, मैंने तुझे क्या नहीं कहा कि
तेरी दूध पिलाने वाली माँ भी तुझे छोड़ देगी, तेरा बाप भी तुझे छोड़ देगा, लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। तो एक पिता आज हमसे कहता है, वो रोता है, आज वो अपने तकियों को आंसुओं से भिगोता है। यीशु कहता है आज कि यीशु रोया, परमेश्वर का वचन कहता है, पिता ने कहा है कि मैं मनुष्य को बनाकर पछताया, क्योंकि जिस पर मैंने भरोसा किया उसने मेरे मुंह पर लात उठाई। जिस पर मैंने भरोसा किया ना, उसने सिर्फ मुझे अपनी अपने काम के लिए एक ATM की तरह इस्तेमाल किया, यूज़ किया, मुझे लूट लिया। आज परमेश्वर ने साफ कहा है कि तुम मुझे लूटते हो। तो एक पिता को एक बेटे ने लूटा है, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। आज पिता मौका देता है, वो कहता है कि मेरे बेटे देख, उस गंदी जिंदगी से जो सूअरों के साथ थी तेरी या होने वाली थी, मैं तुझसे कहता हूँ ऐसी हालत होने से पहले तू मेरे पास आ जा। अपने आप को दीन कर ले, शून्य कर ले, नम्र कर ले। मैं तुझसे कहता हूँ चाहे तेरे पाप कितने भी काले, कितने भी लाल, कितने भी अर्गवानी कलर के क्यों ना हो, तू उनको मेरे सामने मान ले। मैं तेरे पापों को कभी याद भी नहीं करूँगा, वरन मैं तुझे अपने सीने से लगा कर रखूँगा। आज मैं तेरा इंतज़ार करता हूँ, तकियों में आंसुओं के साथ मैं तेरा इंतज़ार करता हूँ कि मेरा बेटा आज मेरे घर में आएगा, उसको अपने मैं सीने से लगाऊंगा। मैं तेरे स्वागत के लिए बैठा हूँ, मेरे दूत तेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मेरे लोग, मेरे सेवक तेरा इंतज़ार कर रहे हैं, और मैं इस बात की गवाही दूंगा कि मेरा बेटा जरूर आएगा। तू आएगा ना? तू आएगी ना? मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाएगा ना? मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाएगी ना? मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं इंतज़ार करता हूँ। मेरे साथ संगति कर, मेरी बात को मान, और अपनी सारी चिंता और बोझ मुझे दे। देख, मैं तेरे लिए मार्ग निकालूंगा, मैं तेरे साथ हूँ।